अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उस्ताद जी ऑनलाइन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चरर इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसका पेपर जो है वो अपकमिंग वीक्स में एक्सपेक्टेड है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके से रिलेटेड 20 क्वेश्चन की, क्योंकि पीपीएससी लेक्चरर के पेपर्स में 20 पोर्शन का जो है वो जीके का पेपर आ रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपके जीके पोर्शन जो है वो उसको हल करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस तरह की दीगर लेक्चरर की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप अपना जीके पोर्शन वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और इन क्वेश्चन से बाहर बहुत रेयर केसेस होते हैं कि पीपीएससी से बाहर कोई क्वेश्चन डाले। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बिग मैन अ ह्यूज क्लॉक वाज इंस्टॉल्ड, तो ये कब इंस्टॉल्ड किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 1859। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है और वहाँ पर एक टावर है जिसको बिग मैन कहते हैं, उसमें एक क्लॉक इंस्टॉल किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड आया है कि वो क्लॉक कब इंस्टॉल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप 1859 टिक कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हु वाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1958। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को है जो मॉडिफाई भी किया जा सकता है वो ये कि फर्स्ट मार्शल लॉ कब इम्पोज किया गया। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1958। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस वक्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उसका करेक्ट आंसर है फिरोज खान नून। तो जब फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज किया गया तो उस वक्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फिरोज खान नून था। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि क्रोनोमीटर मेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम। टाइम को मेयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्रोनोमीटर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि ड्यूरेशन ऑफ वन हाफ ऑफ हॉकी, तो इसका करेक्ट आंसर है 35 मिनट्स। हॉकी के मैच के दो हाफ होते हैं और एक हाफ की जो ड्यूरेशन है वो 35 मिनट्स है। अगर फुटबॉल के ड्यूरेशन की बात करें कि उसके एक हाफ की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो वो 45 मिनट्स होती है, और इस तरह उसके दो हाफ होते हैं 45 मिनट्स ईच के। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कि पंजाब साइज इन टोटल लैंड मास ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर है 25.8%। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है उसमें अगर पंजाब के शेयर की बात करें तो वो 25.8% है। अगला हमारा क्वेश्चन है द काज ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जो साइंटिस्ट जिसने इस काजेज को दरियाफ्त करने पे काम किया उसका नाम था रोनाल्ड रॉस। अगला हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वर हेल्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है 1951। व्यूअर्स, यहां पर आपने याद रखना है कि यहां पर फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात हो रही है, जनरल इलेक्शंस की बात नहीं हो रही। तो जब प्रोविंशियल इलेक्शन का जिक्र आएगा तो आपने उसका आंसर 1951 टिक करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच रोमन गवर्नर ऑर्डर्ड हजरत ईसाज एग्जीक्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर है पोलाइटस। पोलाइटस वो रोमन गवर्नर था जिसने हजरत ईसा अलैहि सलाम की एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पाकिस्तानी फिल्म इन उर्दू, तो व्यूअर इसका करेक्ट आंसर है तेरी याद। तेरी याद वो फिल्म है जो पाकिस्तान में रिलीज हुई और ये पहली फिल्म थी उर्दू में रिलीज होने वाली। और अगर हम बात करें कि ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम रिलीज हुई और वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी, तो उसका करेक्ट आंसर है बियॉन्ड द माउंटेन, और ये फिल्म जो है वो 1976 में रिलीज हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है रिवर कॉल्ड फादर ऑफ रिवर्स, तो दरियाओं का जो बाप जिस रिवर को कहा जाता है वो मिसिसिपी है। और यहाँ पर रिवर मीकोंग के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि रिवर मीकोंग जो है इसे मदर ऑफ ऑल रिवर्स कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है कि कीज यूज टू लॉक द कीबोर्ड विंडो, कीबोर्ड को लॉक करने के लिए जो है वो कौन सी की इस्तेमाल होती है। तो अगर हम विंडो और प्लस एल के बटन जो है उसको, इन दोनों को प्रेस करेंगे, विंडो का बटन और एल का बटन, तो हमारा जो कीबोर्ड है वो लॉक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट लेट्स यू
टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स इन पावर पॉइंट। तो व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट जो है हमें ये सहूलत फ्राहम करता है कि हम रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। तो व्यूअर, वेरी इजी, इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर की एक किस्म है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शट डाउन ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है टास्क बार। टास्क बार पे अगर आप देखें तो वहां पर शट डाउन की ऑप्शन अवेलेबल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग वुमेन आफ्टर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो इसका करेक्ट आंसर है लबाबा बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा। मोस्टली ये पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जिसने इस्लाम कबूल किया उनका नाम क्या था। तो वो अब जो है बीपीएससी ने एंगल चेंज किया है और ये पूछ रहा है कि सेकेंड वुमेन जिसने इस्लाम कबूल किया हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद उनका नाम क्या था। तो आप करेक्ट आंसर में लबाबा बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम टिक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच प्रॉफिट डिड ज्यूज कॉल दिस सन ऑफ अल्लाह। तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत उजैर अलैहि सलाम। ज्यूज ने हजरत उजैर अलैहि सलाम को सन ऑफ अल्लाह कहा था। हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फोस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर सिस्टर थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अबू तलहा जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तैयार की थी। अगले जो दो क्वेश्चन हैं वो अभी जो 20 मार्क्स का जीके पोर्शन है लेक्चरर्स के लिए, उसमें दो क्वेश्चन जो हैं उर्दू से रिलेटेड आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके लिए डाल रहे हैं जो कि उर्दू से रिलेटेड हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है कि शेख इब्राहिम ज़ौक के उस्ताद का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है शाह नसीर। ये वेरी नॉन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब ये पीपीएससी में आना शुरू हो गया है तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि पंजाब से जारी होने वाले पहले अखबार का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है कोहिनूर। पंजाब से जारी होने वाला पहला अखबार कोहिनूर था। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। आप अपनी राय से भी हमें आगाह ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिए। आप हमें हमारे चैनल को उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप फेसबुक पे हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।